दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और गुजरात टाइटंस के बीच एक ऐसा नजारा देखने को मिला जिसमें गुजरात टाइटंस के मैथ्यू वेड आउट दिए जाने पर इतना खफा हो गए कि ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के बाद उन्होंने तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। जी हाँ दोस्तों, गुजरात टाइटंस की पारी के छठे ओवर में जब ग्लेन मैक्सवेल बॉलिंग करने आए, तब दूसरी बॉल पर मैथ्यू वेड LBW आउट हुए। ग्लेन मैक्सवेल की लेंथ बॉल पर मैथ्यू वेड स्वीप खेलने लगे थे, लेकिन बॉल सीधा पैर पर लगी, जिस पर फील्ड अंपायर ने इसे आउट दिया था। मैथ्यू वेड ने यहां रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर ने रिप्ले देखने के बाद भी इसे आउट ही करार दिया। यहां पर ही मैथ्यू वेड खफा हो गए। पहले उन्होंने बॉलर ग्लेन मैक्सवेल से बात की, बाद में पवेलियन जाते वक्त उन्हें विराट कोहली के साथ बात करते हुए देखा गया। लेकिन बवाल तब हुआ जब मैथ्यू वेड ड्रेसिंग रूम में पहुंचे। यहां पहुंचने के बाद उन्होंने गुस्से में हेलमेट फेंक कर मारा, इसके बाद बल्ला भी जमीन पर पटक दिया। यहां तक कि मैथ्यू वेड बल्ले से कई चीजों को तोड़ते हुए भी दिखाई दिए।